नूरपुर कांग्रेस द्वारा रविवार को कांग्रेस सेवा दल और युवा कांग्रेस के साथ मिलकर तिरंगा झंडा रस्म कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कांगड़ा कांग्रेस अध्यक्ष एवं नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान एक कार्यकर्ता सभा भी आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारियों ने अपने विचार साझा किए। जिला अध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि अगर नूरपुर की जनता उन्हें दोबारा सेवा का मौका देती है तो वह सबसे पहले बंद पड़े सरकारी उद्योगों को शुरू करवाएंगे, जिसमें मुख्य तौर पर नंगलाहड़ इंडस्ट्रियल एरिया और नूरपुर सिल्क मिल शामिल है। इसके साथ ही उनका प्रयास रहेगा कि नूरपुर के मंदिरों को टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया जाए। नूरपुर में मीराबाई और श्री कृष्ण का मंदिर होने के साथ साथ नागनी माता मंदिर, डिबकेश्वर मंदिर है, जिन्हें धार्मिक टूरिज्म के तहत मानचित्र पर लाया जा सकता है। अजय महाजन ने कहा कि वह चाहते हैं कि नूरपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार के साथ युवाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने नूरपुर के लिए चिन्हवा में इंडोर स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव रखा था और चौगान में बड़ा आउटडोर स्टेडियम बनाया जाना था, लेकिन मौजूदा समय में चौगान में इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय से में जनता से सुझाव लेकर उसे अमल करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा पुरानी जो राजा का बाग नागाबाड़ी पंचायत होती थी, उसका कार्यक्रम था कार्यकर्ताओं का, और साथ में हमारा ध्वज समारोह जो होता है सेवा दल का और ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग, अलग अलग हमारे संगठनों की मीटिंग थी, तो वो आज संपन्न हुआ और बहुत ही लोगों में ऊर्जा है। और मैं कहूँगा कि जिस ढंग से इन्होंने मुझे आज यहाँ उपस्थिति हुई, इसे लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कांग्रेस के लिए समय आने वाला है। कौर सिंह ने एक क्वेश्चन किया था कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो हम जो फोर लाइन संघर्ष समितियों को फैक्टर 2 के हिसाब से देंगे, उसके लिए क्या कहना है आपका? दोबारा बोलो। कौर सिंह ने एक बात कही थी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो फोर लाइन संघर्ष समिति जो है, फोर लाइन का जो मुद्दे हैं, उसके तहत हम फैक्टर 2 के हिसाब से जो है पैसा देंगे। बड़ी अच्छी बात है, हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, अगर उन्होंने बात कही है तो मैं उसका बिल्कुल सपोर्ट करता हूं और कहता हूं कि बहुत अच्छी सोच है। ओल्ड पेंशन के बारे में कहा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है कि ओल्ड पेंशन को लागू किया जाएगा, ये भी बिल्कुल एक उचित बात है और ये मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा और हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है पार्टी का, उन्होंने आगे ही कह चुके हैं वो कि ये इसको लागू किया जाएगा। जैसा कि फेसबुक में कल से ये भी आ रहा है कि जो भाजपा के नूरपुर जिला संगठन के महामंत्री थे वो नए बन गए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो उनका अपना पार्टी का निर्णय है, इसके बारे में मैं क्या करूँगा, ये उन्हीं से पूछो। तो पहले तो जो आपकी सोच है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने अभी जो अभी मीटिंग एड्रेस की, इसमें मैंने कई विस्तार में बताया, पर मैं एक बार फिर क्लियर करना चाहता हूँ। अगर ऐसी स्थिति में पहुँचता हूँ कि मैं लोगों की सेवा करने कर सकूँ, तो 4-5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। एक, मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया जो है इसको एक्सपैंड करूँगा और नया इंडस्ट्रियल एरिया जो नंगलाड़ वाला को, इसको एक्सपैंड करेंगे और नया एक इंडस्ट्रियल एरिया स्टैब्लिश किया जाएगा। दूसरी तरफ एक, क्योंकि हमारा ये आम और सिट्रस की बेल्ट है, तो यहाँ पे कोशिश की जाएगी एक फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट लग जाए जहाँ पे हमारे किसानों को फिर उचित रेट पे मिल जाएंगे और इनको बड़ी दूर नहीं जाना पड़ेगा अपने प्रोड्यूस बेचने के लिए। तीसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो हमारी पुरानी सिल्क मिल थी, और किसी ज़माने में ब्रिटिश टाइम्स में ये नूरपुर का पश्मीना बड़ा फेमस होता था, सिल्क की सबसे पुरानी मिल है। जब मैं MLA था तो मैंने अंत में 60 लाख रुपये भी सैंक्शन करवाया इसको रिवाइव करने के लिए, और तब के जो मंत्री जी थे मुकेश अग्निहोत्री जी, उनका टूर भी कराया, पर मुझे फिर कार्यकाल मुझे उतना ही मिला जिसमें मैं नहीं कर पाया, पर मैं इसको रिवाइव करने की कोशिश करूंगा जिसमें हमारी बहनों को, महलों को रोजगार भी मिले और नूरपुर का नाम फिर एक इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच सके। और इसके अलावा जो नूरपुर है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, इसमें मंदिर है,
आप नूरपुर वाला मंदिर लो जहाँ पे हमारी कृष्ण जी और मीरा जी की एक बड़ी पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है जहाँ पे एक कठी मूर्ति है, साथ में किला है, साथ में यहाँ पे शिवाली का मंदिर त्रिग्रेश्वर वहाँ बहुत फेमस है, नागनी माता हमारे दो जो हैं, तो इनको मैं मेरी सोच होगी जैसे लोग माँ ज्वाला जी में जाते हैं अपना शीश निभाने के लिए और कांगड़ा जाते हैं, चमुंडा माता जाते हैं, तो ये भी उस सर्किट पे आए, यहाँ भी मंदिरों के ऊपर लाइक कि हमारा टूरिज्म बढ़ सके। और इसके अलावा मैं जो यहाँ पे सब्जी मंडी इसको स्ट्रेंथन करेंगे और फार्मर्स के लिए जो ग्रीन हाउसेस का एक ट्रेनिंग का कैंप लगे कि ऑफ सीजन वेजिटेबल्स ग्रो करें जिसके हमें मतलब रेन जो होती है बारिश के कारण नुकसान ना हो और रेट्स उचित मिल सके, ये मेरी सोच है। इसके अलावा और कई सोचे हैं कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलाना चाहते हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुले नूरपुर में, तो उसमें एक हमारे युवाओं को काफ़ी एक उत्साहन मिलेगा। और मैंने अपने टाइम में तकरीबन 7 मिनी स्टेडियम बनाए थे और ये भी जो स्टेडियम बन रहा है इस वक्त इसके लिए हमारे टाइम में 4 करोड़ में सैंक्शन हुआ था और हमने चिनवा में इंडोर स्टेडियम सैंक्शन करवाया था सीएम से, अब यहाँ पे मेन में ही वो इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं, तो मैं उचित होता कि ये आउटडोर स्टेडियम मेन बनता और वो जो इंडोर स्टेडियम जहाँ चिनवा से बनना था वहाँ बनता, तो ऐसे कई सोचे हैं, जब अगर ऐसा मौका मिला तो फिर और भी लोगों के सुझाव लेंगे, साथियों को सुझाव लेंगे और इरिगेशन को जैसे पानी की जो समस्याएं हैं उसको दूर करना मेरी प्राथमिकता होगी और खेतों में पानी देने की प्राथमिकता होगी, फिनांसिंग स्कीम जो थी मेरे पिताजी की देन है उसको जल्द से जल्द कम्प्लीट करेंगे तो लोगों को पानी मिल सके, पर ऐसी बात है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।